अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ग्रो 130 टन क्रेन। ये है, इसके जैक लगे हुए हैं और इसके जैक क्लोज कैसे करने हैं और जैक दोबारा लगाने कैसे हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसके सेंटर में ये इसका फंक्शन है, तो ये दोनों उधर वाले जैक हैं उस साइड वाले, ये दोनों भी अप डाउन वाले उस साइड में हैं, और ये जो है ये इस साइड वाला है, ये भी मेरी साइड वाला ही जैक है। तो सबसे पहले हम इधर वाले डाउन करेंगे, आगे साइड दोनों तरफ वाले हम पहले सबसे पहले डाउन करेंगे। तो ये हैं डाउन करने वाले, इसको दोनों को दबा के ये इसको दबाएंगे। ये देखो अभी डाउन हो रहे हैं, अभी ये आगे वाली साइड डाउन हो गई है। तो अभी पीछे वाली साइड देखो, ये अभी लगी हुई है, ये पीछे वाली साइड अभी डाउन करूँगा। ये दोनों एंड ये तीनों इकट्ठा दबाना पड़ेगा। और ये देखो डाउन हो रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके ये जो है ना बीम, ये कैसे क्लोज करने हैं। तो इधर देखना, ये अंदर की तरफ है, ये दोनों बटन दबाऊंगा और वो क्लोज होगा। देखो अभी ये वाला क्लोज करना है, तो इसको कैसे, ये वाला दबाऊंगा और ये वाला, और ये देखो क्लोज हो गए। अभी दोस्तों क्रेन की दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ जाके ये वाले क्लोज करने हैं। ये एक रह गया था, इसको भी हम क्लोज कर रहे हैं। अभी ये बीम अंदर करेंगे, इन दोनों को दबाएंगे और वो देखो क्लोज हो रहा है। क्लोज हो गया। अभी ये वाला बाकी है, तो ये देखना, ये अंदर वाला बटन है और ये दोनों इकट्ठे दबाऊंगा तो देखो ये क्लोज हो जाएगा। ये दोस्तों क्लोज कर दिया, अभी लगाना भी इसी तरह ही है। अभी लगाने के लिए ये वाला बटन दबाएगा, ये और ये दोनों दबा से, ये तेज होता है इससे स्लो होता है, तो ये दोनों दबा सकते हैं। ये देखो ये बैक साइड वाला मैं निकाल रहा हूँ रोटरी का, ये देखो निकल रहा है, और इधर देखो ये दोनों बटन मैंने दबाए हुए हैं। ये निकल गया दोस्तों, अभी दूसरी साइड वाला निकालना है, ये वाला निकालने के लिए है, और देखो वो निकल रहा है जैक, और ये दोनों बटन मैंने दबाए हुए हैं, और वो देखो। तो अभी इस साइड वाले जो है ना जैक नीचे टच कर देंगे ताकि उस साइड में जाके आसानी से लेवल कर सकें। तो देखो अभी ये और इधर वाली साइड, और वो देखो डाउन हो रहा है, और अभी देखो इस साइड वाला करेंगे, तो इस साइड वाला भी ये नीचे वाला दबाएंगे और ये दोनों इकट्ठा दबाएंगे, और देखो डाउन हो रहा है। अभी दोस्तों दूसरी साइड पे चलते हैं, उस साइड वाले जैक उसी साइड से जाके निकालेंगे, इसके दोनों तरफ फंक्शन काम करते हैं। तो अभी ये दूसरी साइड भी आ गए,
अभी हमने ये वाला निकालना है, देखो ये भी निकल रहा है और ये मैंने दो बटन दबाए हुए हैं और वो निकल रहा है जैक। और अभी दोस्तों इधर वाला निकालना है तो इसके लिए ये दोनों दबाऊंगा, देखो वो जैक निकल रहा है और ये देखो ये दोनों बटन मैंने दबाए हुए हैं। तो अभी दोस्तों इसके नीचे जैक लगाता हूँ, ये वाला और ये वाला। अभी देखो वो नीचे डाउन हो रहा है, पहले इसको टच करूँगा, अभी दोस्तों इसको करेगा। अभी ये वाले दो बटन दबाएंगे, ये देखो डाउन हो रहा है। अभी ये हो गया, तो अभी दोस्तों लेवल करना है इसका। तो सबसे पहले आगे वाले दोनों उठाएंगे, दोनों उठाने के लिए ये वाले दबा के अभी उधर वाला भी उठेगा, तो ये अभी दोनों उठ रहे हैं। अभी दोस्तों ये वाले दोनों उठाएंगे, ये दोनों दबा के इसको दबाएगा, ये देखो टायर उठ रहे हैं। इसको हल्का सा टायर को जमीन से उठा के फिर लेवल करना है। उसका लेवल जो है ना अपना वो खराब है, तो हम लोग लेवल इसके ऊपर करता है। तो अभी ये आगे वाली साइड है ना, ये थोड़ी सी उठेगी दोनों साइड, तो ये आगे वाले दोनों थोड़े थोड़े उठाएंगे। अभी ये लेवल इसका भी थोड़ा मध्यम है, थोड़ा उधर वाली साइड जो है ना वो थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। ये दोनों दबाएंगे, अभी मेरा हाथ बिजी है तो इसको थोड़ा ये तो हो नहीं सकता। ये दोस्तों देखो लेवल हो गया, ये जो है ना ये सेंटर में होना चाहिए और ये वाला जो है ये इधर सेंटर में होना चाहिए। तो ये हमारी क्रेन अभी लेवल हो गई है, ये 130 क्रेन है ग्रो और ये अभी लेवल हो चुकी है। तो इधर नीचे पैर लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये अभी मैं समझाने के लिए फ़िलहाल ये कर रहा हूँ। तो ये 130 टन क्रेन है जी ग्रो, ये थोड़ा थोड़ा एक एक इंच या दो दो इंच इसका टायर ऊपर होना चाहिए, इसके बाद आप लोग काम कर सकते हैं। तो बस इतना ही था जैकों के बारे में, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरब अमीर खान। ओके, अल्लाह हाफिज़।